फ्रिक्शन समझते हैं। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का बल है। फ्रिक्शन को हम हिंदी में घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। एक होता है फिक्शन, उस अंग्रेजी में पढ़िएगा फिक्शन, काल्पनिक कहानियों को क्या कहते हैं? फिक्शन। एक था राजा एक थी रानी, समझ, वो सब क्या है? फिक्शन है। चले चले तारों के शहर में, ये सब क्या है? फिक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? चांद के पार चलो, जाओ ससुरा तू नहीं वो पार, उलट जाओ, यहाँ पे तैरे अबे नहीं करता है, चांद के पार चलेंगे, ये सब क्या चीज है? फिक्शन है। लड़की लोग फिक्शन की दुनिया से बचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ बढ़िया आप लोग कौन सा फ्रिक्शन। लड़का गोली देने में तो एकदम आगे है, नहीं समझ में आया? एकदम मत पूछो उसको, उसको फ्रिक्शन पढ़ाने की जरूरत है, फिक्शन नहीं। आर गायब कर दो, फिक्शन। फिक्शन मतलब आप लोग जो गोली देते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब समझिए ध्यान से। फ्रिक्शन एक प्रकार का क्या है? बल। क्या है? बल। लेकिन यह बल ससुरा बड़ी उटपटांग है। यह बल हमेशा गति का विरोध करेगा। गति का विरोध, विरोध कैसे करेगा? तो विपरीत दिशा से करेगा। कैसे करेगा? विपरीत दिशा। अरे भाई किसी के विपरीत दिशा में चल जाइएगा, विरोध हो जाएगा। इसलिए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब होता है विपरीत दिशा। फिजिक्स में क्या होता है? विपरीत दिशा। अब जैसे मान के चलिए हम ऐसे चल रहे हैं, पैरवा घसीट रहे हैं, तो देखिए हम चल रहे हैं इधर और घर्षण लग रहा है उधर। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम चलेंगे इधर और घर्षण लगेगा उधर। तो घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। कैसे विरोध करेगा? तो विपरीत दिशा से। अतः घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एक काम ही न कर रहे हैं, हम एक बल लगा रहे हैं और कुछ ना कुछ विस्थापन हो रहा है, तो बल गुणे विस्थापन कार्य होता है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। क्या बताता है? कि दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है। पुष्पा फिल्म देखे? हाँ, श्रीवल्ली, जो भी हो, यहाँ पे तुम श्रीवल्ली पे ध्यान दे रहा था, लाल चंदन पे ध्यान दो, पुष्पा पे ध्यान दो, ये सब ध्यान दे ले श्रीवल्ली पे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, फ्रिक्शन के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक? क्यों ऋणात्मक? दिशा विपरीत। डायरेक्शन क्या होता है? विपरीत होता है। हाँ, विपरीत होता है। और यह हमेशा गति का क्या करेगा? विरोध। ऐसा कोई घर्षण नहीं है जो गति का क्या करे? समर्थन करे। गति का समर्थन करे। तो गति का विरोध करता है तो दिक्कत हो जाता है। फ्रिक्शन को कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक मिलाते हैं। स्नेहक ऐसी भाषा है, कभी कभी आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगा, हिंदी टफ लगने लगेगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ऑफ, प्रीपोजिशन है ऑफ, एकरा हिंदी में लिखते हैं इस ससुरा धाए दे पढ़ लिया जाएगा, ये पढ़ लेना जाएगा यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? तो जैसे हम कहते हैं स्नेहक, समझे में नहीं जाएगा। अंग्रेजी बोलो लुब्रिकेंट, तो चिकनी वाली चीज़ कुछ भी क्या है? लुब्रिकेंट कहते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक। स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के रूप में मशीन का तेल, तारपीन का तेल, ग्रीस, मोबिल, ग्रीस या मोबिल। अब वो जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे गाड़ियों के इंजन में ग्रीस डालेंगे तो आप चिंगारी पकड़ लेगा, उसमें क्या डाल देते हैं? मोबिल। क्या डालते हैं? मोबिल। मोबिल बहुत चिकना पदार्थ होता है, शहद की तरह होता है एकदम। मोबिल जमता नहीं है। ठंडी के दिन में मोबिलो जमने लगता है, इसलिए ठंड के दिन में गाड़ी स्टार्ट करके 5 मिनट छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़िएगा तो पता चला सब मोबिल उबिल जमल रहेगा, आधाए इंजन ऊपर नीचे करने लगे, बस क्रैक आ जाएगा यहाँ पे। तो लुब्रिकेंट को ही क्या कहते हैं? स्नेहक। लुब्रिकेंट को स्नेहक क्यों मिलाया जाता है? घर्षण कम घर्षण कम, वरना घर्षण ज्यादा रहेगा तो गति करने ही नहीं देगा। घर्षण ज्यादा रहेगा तो गति करने नहीं देगा। मशीन जब जाम चलेगा तो मशीन का तेल क्या मिला देते हैं? मशीन का तेल। मशीन का तेल दाग उग नहीं डालता, वहाँ ग्रीस भी डाल सकते हैं। अब मशीन पे कपड़ा सिलिएगा तो सब ग्रीस चल जाएगा कपड़े पे। तो जरूरत कैसा है उसी हिसाब से देखा जाता है। मशीन का तेल हो सकता है या फिर आपका डीजल हो सकता है, कहीं कहीं डीजल डाल दिया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इससे घर बनता है ना, घर, तो घर में जब छत ढाला जाता है तो लकड़ी का पहले सेंटरिंग बांधा जाता है और उसके बाद ऊपर छड़ का केज बनाया जाता है और फिर उसमें मसाला डाला जाता है। मसाला डालने से क्या होता था ससुरा? जब हम 21 या 25 दिन बाद सेंटिंग खोलते थे तो लकड़िया मसलवा से पकड़ लेता था। अब उस ससुरा खोलने में नौ नतीजा हो जाता था, लकड़िया टूट जाता था, 10-20% लकड़ी बर्बाद होती थी। तो अब क्या करता है सर, या तो लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक बिछा देता है और नहीं तो लकड़िया के ऊपर मोबिल इंजन जो होता है ना, गाड़ियों का इंजन, उसमें क्या लगाया जाता है, मोबिल। लेकिन 2 महीना 3 महीना के बाद वो मोबिल जल के खत्म हो जाता है, काला हो जाता है। तो वो काला मोबिल सस्ता बिकता है, उसको खरीद के ले आकर लकड़िया पे पेंट कर दिया जाता है, ले ससुरा पूरा पेंट। अब मसाला उसको पकड़ भी नहीं करता, आराम से पट रहा, छोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट मिला देने से फ्रिक्शन घट जाता है। स्नेहक कई अवस्था में हो सकता है, स्नेहक ज्यादातर लिक्विड अवस्था में होते हैं। तेल, हाँ तो बढ़ाने के लिए होता है। अरे फ्रिक्शन बढ़ा देगा बालू, हम घटा रहे हैं तुम बढ़ा रहा है फ्रिक्शन। इसका कहना है कि सर बालू मिला देना, ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पहले समझो यहाँ। तो लुब्रिकेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट को हिंदी में स्नेहक। क्या कहेंगे? स्नेहक। ये घर्षण को क्या करेगा? घर्षण को घटा दे, घर्षण को घटा देता है। जैसे अलग अलग कैटेगरी का तेल होता है। क्या होता है? तेल, मोबिल, ग्रीस, डीजल, जला हुआ डीजल, ये अलग अलग कैटेगरी आप सब समझते हैं। देखिए, मोबिल का यूज इंजन में करते हैं, ग्रीस का यूज दरवाजा वरवाजा में करते हैं, बड़ी देर तक रहता है। यहाँ ग्रीस घी की तरह रहता है जमा हुआ, ग्रीस लगा दीजिए गेट रोड में, गेट में क्या करते हैं, लगा देते हैं आप। समझ आ गया? जला हुआ डीजल सबसे सस्ता आता है। तेल लगा देंगे तो घर्षण का वैल्यू घट जाता है। देखिए ना, बाल वाल जब झाड़ते हैं ना तो एक बलवा दूसरे बलवा को चिपक लेता है। अब उसके बाद आप ले जाएंगे कंघी, तो कंघी को गति करने ही नहीं देगा, कहेगा ये ससुरा तू नहीं, तू गति करते हो। तब आदमी क्या कर देता है, उसमें तेल लगा देता है। अब वो घर्षण को क्या कर देगा, कम। अब्बा कंघी आर पार हो जी तो आ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्नेहक का काम बहुत जरूर। स्नेहक कभी कभी ठोस अवस्था में भी होते हैं, जैसे पाउडर। क्या होता है? पाउडर। कैरम बोर्ड खेलते हैं आप, कौन चीज उस पर तेल छिड़क दीजिएगा, ले घर्षण कर हाँ। मोबिल लगा दे, मोबिल। ग्रीस, स्ट्राइगर पकड़ लेगा ग्रीस, तो क्या छिड़क देते हैं? पाउडर, कैरम बोर्ड का पाउडर। अब वो पाउडर काफी महीन होता है, अमूमन आदमी जो पाउडर लगाता है गर्मी की, वही छिड़क देता, वो उतना घर्षण को नहीं कम कर पाता। लेकिन कैरम बोर्ड का कुछ कुछ स्पेशल पाउडर आता है कैरम बोर्ड का, वो छिड़क दीजिएगा ना तो एकदम बिरनियाइले भागता है, मारेंगे धाक से निकले, कौन है रे ससुरा, किधर गई, कीन किधर है ललकी, उसमें क्वीन होती है। कैरम बोर्ड में ललका जो होता है क्या देखती है, 50 अंक का होता है, सफेद का 20 अंक, करी का 10 अंक। काला के साथ हर जगह ना इंसाफी, हमारा बस चले तो करिका को 100 अंक दे, हाँ बस 1 जीरो बढ़ा देने की जरूरत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो काला सब एकदम खुश हो जाता है। ये अब बताइए, ये ना इंसाफी है कि नहीं? अच्छा देखो, रानी का नाम राजा भी तो हो सकता था, और सफेद का लक्का के बीच में रनिया कुंजी कर रही थी, लेकिन उसका अब रानी का जो क्वीन होती है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो घर्षण जो होता है बाबू, घर्षण उसको लुब्रिकेंट से कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट ठोस अवस्था में भी होता है। जो पाउडर डालते हैं ना उससे ज्यादा चिकना होता है। पेंसिल का नोक, ग्रेफाइट को रगड़ के एकदम पाउडर बनाइए, उसको कैरम बोर्ड पे छिड़किए, इतना तेज भागेगा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन समस्या है कैरम बोर्ड वह करिया कर दें। कभी कभी आप देखिएगा, पेंसिल का नोक लीजिएगा और उसको एक बार अपने हाथवा में लगाइएगा, इतना चिकना कर देगा हाथ, इतना चिकना करेगा कि पेंसिल का नोक लगाने के बाद अंगूठा का निशान मारिएगा ना तो निशानवे नहीं आता है, निशान आता ही नहीं है, क्योंकि अंगूठा का निशान आता है आपके उंगली में पड़े हुए दरारों के वजह से। और वो इतना पतला होता है ना ग्रेफाइट कि दरारें बंद कर देता है। उसके बाद मोहर मारिए, प्लेन आ जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, एकदम प्लेन। समझ गए? ग्रेफाइट से पेंसिल में। तो ग्रेफाइट भी एक अच्छा स्नेहक है, लेकिन उसका यूज हम मशीनों में करते हैं। अगर कोई मशीन है, कल्प ऊर्जा है, डाल दो सोच रहा, मशीन करिया हो गोर हो, से क्या मतलब है यहाँ पर? तो क्या ग्रेफाइट? तो स्नेहक का यूज हम सोच समझ के करते हैं, कहाँ स्नेहक का यूज करना है, कैसे करना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब गाड़ी में इंजन में पाउडर डाल दीजिए जॉनसन बेबी। नहीं ना जा पाएगा वहां पे। स्नेहक डाल दी जाए, जाम हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। पाउडर का यूज हो सकता है कि नहीं? ग्रेफाइट का यूज हो सकता है। ये सब क्या है? सब लुब्रिकेंट यानी स्नेहक, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक होते हैं सब। ये घर्षण का क्या करता है? घर्षण को कम कर देते हैं। घर्षण को कम कर, चोर वगैरह जब चोरी करने जाते हैं दहिया में तेल पोत लेते हैं। क्या कर लेते? तेल। अब आप पकड़ लिए, पकड़ लिए, अब वो घर्षण नहीं होगा, छोड़ डालेगा यहाँ पे, एक दो झापड़ देगा, छोड़ भाग जाएगा। नहीं जमे कबड्डी में भी लगा देता है सर। यहाँ पे तो बढ़िया आदमी चाहिए चोर के लिए, पकड़ने से पहले धूरा माटी रगड़ ले। जय बजरंग बली। नहीं समझ आया? तो घर्षण को कम किया जा सकता है खुरदुरा पदार्थ से। किसे? खुरदुरा पदार्थ, बालू वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं? आएगा। देहात में लोग कोई ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ बोलेगा ना तो दादी उदी को देखिएगा, बूढ़ी लोग राखी लगा के जीभिया नोच लेते हैं। सुने हैं? मतलब राख लगाएगी तो घर्षण को बढ़ा देगा, क्योंकि जीभ पर हम लोग का लार्वा लगा होता है। लार जो होता है वो खुद लुब्रिकेंट का काम करता है। जीभिया पकड़ाएंगे तो खींच लेगा। राखी लगा के जीभिया खींच लेगा। दादी लोगों को घर्षण चैप्टर का पूरा प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि नहीं? यहाँ पिलास लगा के तो। जीभ निकालना है कि दांत तूर रहा है तू। समझ में आ गया? तो कभी कभी घर्षण बढ़ाना भी जरूरी है। तो घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदुरा पदार्थ डाल दिया जाता है। देहात में देखिएगा दांत पर ना जब मैल जम जाता है तो गांव के लोग कोयला बालू इस सबको मिला के और उसके बाद रगड़ते हैं लोग, एकदम यहाँ ध्यान चमक जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा एकदम बढ़िया से चमका देते हैं। तो घर्षण आपके हाथ में, बढ़ा लीजिए, आपके पास है। राख मतलब क्या? राखी मतलब, अरे वो हाथ में बांधने वाला राखी नहीं रहेगा, धागा का फ्लाई एस। क्या जी? फ्लाई एस, राख, फ्लाई एस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्लाई एस मतलब क्या होता है? राख। फ्लाई एस मतलब राख। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? फ्लाई एस का मतलब क्या हो गया? ये धूल गर्दा वगैरह होते हैं, बालू वगैरह घर्षण को क्या करेगा? बढ़ा देगा। गर्दन को क्या कर सकते? घर्षण को बढ़ा। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब घर्षण की कैटेगरी समझ जाएंगे। घर्षण क्या चाहिए? घर्षण कराना जरूरी है, चलने के लिए घर्षण कराना जरूरी है। घर्षण नहीं रहेगा तो चलने में दिक्कत हो जाएगा, बर्फ में फिसल जाते हैं, बरसात में फिसल जाते हैं। तो घर्षण कराना जरूरी है। अब कल हम लोग घर्षण के आगे की चीजों को पढ़ेंगे। एनडीए बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन में देखिएगा, ऑफलाइन में भी स्टार्ट हो जाएगा।